कल ना यार फैंटेसी में दिन हमारा बिल्कुल खराब रहा। मतलब कैसे खराब हुआ मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। हाफ टाइम तक जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई थी तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल हमारी टीम जीत रही थी और मैं तो फर्स्ट रैंक पे था सारे कॉन्टेस्ट जो मैंने ज्वाइन किए हुए थे अप टू 11 मेंबर। फिर कहानी क्या हुई कि इसको पहले तो बॉल दे दी, वो मेरी टीम में थे नहीं, मैंने कृणाल पांड्या को ले रखा था, कृणाल पांड्या को बॉलिंग ही नहीं मिली, कहानी आधी वहां खत्म हो गई। बच्ची कुची रवि बिश्नोई ने खत्म कर दी क्योंकि उनको विकेट ही नहीं मिला। तो यार अपना वनडे हार हो गया आरआर वर्सेस उस मैच में। खैर ठीक है कोई बात नहीं, होता है, हर दिन तो जीत नहीं सकते ना, वापसी होगी जोरदार होगी। अब कहेंगे कि आरआर का मैच तो परसों था, हाँ तो वीडियो जब बन रही है ना तो आज के दोनों मैच खत्म नहीं हुए, इसलिए इन मैचेस का मेंशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। खैर आज जो मैच है वो है चेन्नई सुपर किंग्स का हैदराबाद के साथ, साउदर्न डर्बी हम कह सकते हैं, साउथ की दो टीम है और जिसमें चेन्नई में मैच है एमवी चिदम्बरम स्टेडियम में। तो कहानी क्या हो सकती है, कहानी ये हो सकती है कि अभी तक जो चेन्नई में हमने मैच देखे उसमें स्पिनर्स को विकेट थोड़े ज्यादा मिले हैं, कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन वैसे भी स्पिनर्स के लिए रहती हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है कि यहाँ पे जो रिसेंटली पिछले कुछ मैचेस में 58 विकेट गिरे हैं उसमें से 30 विकेट जो मिले हैं वो पेसर्स को मिले हैं, 28 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ स्पिनर को मिलेंगे, पेसर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते, पेसर्स के लिए यहाँ पे है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्पोर्टिंग ट्रैक मिलने की संभावना है, 160 के आसपास मुझे लग रहा है पार स्कोर रहेगा और वो चेज हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि 65% के आसपास जो मैचेज हैं वो टीम बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल है देखने का। खैर उसके साथ अगर हम बात करें कि भाई प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो जो हैदराबाद ने प्लेइंग 11 पिछले मैच में खिलाया था मुझे लगता नहीं उसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि जितने ऑप्शंस हैं वो सबको ट्राई कर रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के को यूज करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो, क्योंकि अब्दुल समद कुछ काम आ नहीं रहे, अब जो बेंच पे बचा यार उसको यूज करो, अभिषेक शर्मा को यूज किया था ठीक काम कर गए थे लेकिन अब्दुल समद उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, और अगर पिछले मैच में वो अच्छा कर पाते तो शायद मैच जीत जाते, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। बॉलर्स में जॉनसन बहुत अच्छा कर रहा है, मार्कंडे ने पैचेज में अच्छा किया है, भुवनेश्वर नटराजन स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मैच में नटराजन को विकेट मिले, भुवनेश्वर को एक से ज्यादा विकेट अभी तक किसी मैच में नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग स्टोरी है हैदराबाद की गेंदबाजी की। बैटिंग में उधर ब्रूक ने 100 जरूर लगाई है लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू है, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, मयंक अग्रवाल के साथ सेम ही केस है, राहुल त्रिपाठी अभी तक बड़ा कुछ कर नहीं पाए, एडन मार्करम फील्डिंग से पिछले मैच में पॉइंट दे गए लेकिन बल्ला उनका बोला नहीं, 150 उन्होंने लगाई है, क्लासन से कुछ नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हैदराबाद की तरफ से नहीं आई है, जबकि ऑन पेपर ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। सीएसके की तरफ चले तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ी शानदार शुरुआत की थी टूर्नामेंट की लेकिन थोड़े फीके दिख रहे हैं, डिवोन कॉनवे ने पिछला मैच अच्छा खेला, रहाने सरप्राइजिंगली अच्छा खेल रहे हैं, खासकर उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ है फिलहाल इस सीजन, और उनके साथ साथ आगे चले तो शिवम दुबे ने एवरेज परफॉर्मेंस किया है, वो पिछले मैच में जरूर चिन्ना स्वामी भी उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था, अच्छी 50 बनाई थी। फिर उसके बाद रायडू इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, जडेजा है पैचेज में अच्छा किया है लेकिन ठीक ठाक ही कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्लेस को, मोइन अली दो मैच अच्छे खेले हैं, उसके बाद MS धोनी वो 4-5 बॉल के प्लेयर हैं उसी हिसाब से खेल भी रहे, 2 छक्के मार जाते हैं हो जाता है खत्म मामला। तुषार देश पांडे बहुत बड़ा बूस्ट है इस टीम के लिए क्योंकि दीपक चहर इस टीम में नहीं है और पेसर सिंह के इंजरी से जूझ रहे हैं, सिसांडा मंगाला को इंजरी हो गई थी, तो ऐसे केस में तुषार देश पांडे ने जिस तरीके से गेंदबाजी संभाल रखी है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, 3 विकेट लिए पिछले मैच में। महिषा पथिराना ने भी पिछले मैच में अच्छा काम करके 2 विकेट दे दिए और 2 विकेट दे दिए आकाश सिंह ने, उनमें एक विराट कोहली का भी था, तो आकाश को नई बॉल से गेंदबाजी कराई जा रही है, तुषार देश पांडे नई पुरानी दोनों से कर रहे हैं और महिषा पथिराना पुरानी से कर रहे हैं, तो पेस अटैक जो है वो चेन्नई का सॉर्टेड लग रहा है इन 3 के रूप में। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है स्पिन में, अगर आप देखेंगे थोड़ा जडेजा मोइन है वहां पे, तीक्षणा को विकेट नहीं मिले हैं, 2-3 मैच खेल लिए हैं विकेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एक स्ट्रगल इनका जो है वो ये कि यार जो हैदराबाद का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ स्ट्रगल करता है, इनका अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन तो ना इनके पास प्लेइंग 11 में लेफ्ट आर्म पेसर है और ना ही क्या है आपका स्पिनर है, लेग स्पिनर है, अगर बेंच पे देखें तो प्रशांत सोलंकी है लेग स्पिन के रूप में, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे बड़ा मुश्किल है, और लेफ्ट आर्म पेसर के नाम पे राजवर्धन हैंगरगेकर, शुरुआत कराई थी उन्होंने उनसे पहले मैच में 3 विकेट भी लिए थे उन्होंने, फिर थोड़ा सा ढीला पड़ गया परफॉर्मेंस तो उनको बाहर कर दिया, तो ये कहानी थी सीएसके की। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे अगर मैं आ जाऊंगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिहाज से पहले सीएसके की बात करूं तो जो मुझे लगता है डेवन कॉनवे
सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआत तो ऋतुराज ने अच्छी की थी लेकिन अभी वो चीज आगे बढ़ नहीं पा रही है। फिर उसके अलावा मोइन अली है, 2 मैच जिताए हैं, और हालांकि लेफ्ट आर्म बैटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेफ्ट हैंड बैटर्स नहीं है हैदराबाद में, तो शायद उतनी गेंदबाजी ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकेट नहीं ले सकते। पिछले मैच में राइट हैंडर का विकेट लिया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है, तुषार देश पांडे, गायकवाड़, ये 4 प्लेयर सीएसके से मुझे इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और हैदराबाद की बात करूं तो एडन मार्करम और मार्को येंसन, 2 ब्राइट स्पॉट के अलावा सब स्पॉट मुझे इनकंसिस्टेंसी और लैक ऑफ फॉर्म से भरे दिखाई दे रहे हैं। गेम कवर इन सभी प्लेयर्स का अच्छा है, फॉर्म सभी प्लेयर्स की अच्छी है, तो आप जब स्मॉल लीग खेलने जाएंगे या ग्रैंड लीग खेलने जाएंगे आपको इन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ग्रैंड लीग की बात करूं तो जिन प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, टीम में पिक कर सकते हो, अजिंक्य रहाणे है, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेल रहा है, लोग टीम में पिक करने लग गए, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से अभी भी बच रहे, तो आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर पिच थोड़ा भी टर्न करेगा तो ये फिर ठीक ठाक एक इनिंग खेल सकते हैं, हालांकि पेस को ज्यादा अच्छा खेलते हैं और जिस स्ट्राइक रेट पे आजकल खेल रहे हैं ऑसम। महिषा दीक्षाना को विकेट नहीं मिले लेकिन होम ग्राउंड पे खेलेंगे, शायद मिल जाए या मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि स्पिन के खिलाफ ज्यादातर तो बैटर हैदराबाद के वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है, रीजन है। मथिसा पथिराना को लोग अभी कम पिक कर रहे हैं, लेकिन पहले भी मैंने बताया था, पिछले साल भी इन्होंने हमें फैंटेसी में जिताया था और पिछले मैच में ज्यादा इम्पैक्ट हमारे लिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि मैंने नहीं लिया था, तो सार देश पांडे थे वो उनसे बैटर करके गए, हमारा क्लीनशिप हो गया था चेन्नई वाले उस मैच में, तो महिषा पथिराना यहाँ पे इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, वो भी जरूरी है आपके लिए। टी नटराजन जहां गेंदबाजी कर रहे हैं वहां जनरली विकेट्स गिरते हैं, उनको मिल नहीं रहे वो अलग बात है। हैरी ब्रू अब अगर लेग स्पिनर भी नहीं आ रहा है और लेफ्ट आर्म पेसर भी नहीं आ रहा है तो फिर इनके चलने की संभावना थोड़ी बन जाती है, ये इसलिए अच्छे स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी कैंडिडेट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फैंटेसी की तरफ। मैं खेलता हूँ विजन 11 पर और उम्मीद करता हूँ आप भी खेलें, क्योंकि बहुत शानदार जानदार जोरदार जबरदस्त ऐप है। आज ही जुड़िए, अभी जुड़िएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाला हुआ है। डिपॉजिट ऑफर्स बहुत अच्छे हैं और एंट्री फीस कम है, प्राइज मनी ज्यादा है, मल्टी स्पोर्ट है, तो ऐसा नहीं है कल को कबड्डी आएगी या कोई और आएगा, फुटबॉल आएगा तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा खेलने, वो भी नहीं है, तो बड़ी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छी ऐप है और बाकी से बेटर है और जेन्यून तो है ये, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपकी फैंटेसी टीम पे और सबसे पहले बात करते हैं कॉमन प्लेयर्स की, कौन से प्लेयर है जो कॉमन आपके रह सकते हैं आपके और आपके ओपोनेंट्स के, अप टू 8-10 मेंबर की टीम में आपको ये 5-6 प्लेयर जरूर मिल ही जाएंगे। विकेट कीपर्स में डेवन कॉनवे जरूर मिल जाएंगे क्योंकि वहां हेनरिक क्लासन है और हेनरिक क्लासन का डाउन बहुत नीचे, एमएस धोनी बहुत नीचे खेल रहे हैं, तो डेवन कॉनवे सबकी फेवरेट चॉइस है नो डाउट। बैटर्स में ऋतुराज गायकवाड़ सबकी प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि आपके पास जब बैटर सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि यार किसको ले और क्यों ले और किसको ड्रॉप करें तो क्यों ड्रॉप करें, क्योंकि आपको पता लगेगा कि सभी लगभग एक ही लेवल पे हैं, ना वैलिड रीजन सेलेक्ट करने का है ना वैलिड रीजन आपको उनको अनसेलेक्ट या कहिए कि डिस्कार्ड करने का है। ऑलराउंडर्स 4 सबकी टीम में रहेंगे ये मुझे लग रहा है, मार्करम एंसन को सब लेंगे, मोइन अली और रविंदर जडेजा को इस पिच पे इस ग्राउंड पे सब लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे बदलाव होने की संभावना दिखती नहीं है मुझे। नीचे जाता हूं मैं बॉलर्स में, तुषार देश पांडे एक यूनिक मतलब कॉमन पिक रहेंगे जो सबकी टीम में रहेंगे, यहाँ के अलावा 2 बॉलर आप कौन चुनने जा रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा, तो कुल मिला के 2 बैटर 2 बॉलर हैं आपके इस टीम में जिनसे ये दिशा और दशा तय होगी कि जीतेगा कौन और जीतेंगे कैसे, देख लेते हैं क्या हो जाएगी वो टीम, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा टेलीग्राम पे टॉस के बाद, तो फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हम वहां पे चीजें बताते हैं, जुड़िएगा जरूर, और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, क्लिक करके ज्वाइन नाउ का बटन दबा के जुड़ जाना, इनकेस ऐसा नहीं कर पा रहे हो सीधे जाना टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना क्रिकेटोलॉजी, ढेर चैनल दिखेंगे उसमें से अपना वाला चैनल फिल्टर करके ज्वाइन कर लेना, फेक और फ्रॉड लोगों से बचना है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ तो बैटर्स बैटर्स मैंने 2 चुने हैं, ब्रूक और रहाणे, क्यों रहाणे का फॉर्म अच्छा जा रहा है, सीएसके की बैटिंग लाइनअप देखोगे तो एक कंसिस्टेंट बैटर जो आपको दिखेगा पहले मैच से अब तक वो है अजिंक्य रहाणे, उन्होंने जितने मैच खेले स्ट्राइक रेट अच्छा जा रहा है सीजन, तो ऑल इन ऑल इम्पैक्ट छोड़ पा रहे हैं, तो बहुत नहीं 40-50 पॉइंट का एक पूल आपको अजिंक्य रहाणे दे सकते हैं 30-35 रन की पारी में, एक फैक्टर। दूसरा हैरी ब्रू, मैंने जैसा अभी बताया जब मैं आपको ग्रैंड लीग प्लेयर्स बता रहा था कि यार देखो ना तो लेफ्ट आर्म पेसर है और ना है लेग स्पिन, तो थ्रेट जो है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है हैरी ब्रू के लिए, तो चलने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बाकी राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल है उधर, शिवम दुबे है, कॉम्पिटिशन है
लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हैरी ब्रूक के पास एज है, क्योंकि अगर ब्रूक को भी आपने एक बार 10-12 गेंदें खिला दी ना तो बड़ी पारी खेल के जाएंगे, फिर वो आउट होने वाले है नहीं। इस वजह से भी ब्रूक मेरी प्रेफर्ड चॉइस है रहेंगे। ऑलराउंडर्स में हम पहली बात कर चुके थे कॉमन प्लेयर्स में, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन मोइन अली को, वाइस कैप्टन मार्करम को, कि मार्करम क्या है बॉलिंग नहीं कर रहे, और बॉलिंग कर रहे तो एक आध ओवर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर नहीं रहे। मोइन बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, वो 4 पे खेलते हैं, वो 5 पे खेलते हैं, उतना फर्क है बस। इसीलिए कैप्टन मोइन अली को बना के जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन एडन मार्करम को। बाकी टॉस के बाद भी हम इसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं प्लेइंग 11 फाइनल देखने के बाद, तो इसीलिए टेलीग्राम पर आपको जुड़ना है। बॉलर्स में आपके क्लियर पिक थे एक देश पांडे, मथीसा पथिराना और महेश तीक्षणा, दोनों श्रीलंकन में से किसको लेना था थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन तीक्षणा को विकेट नहीं मिल रहे, पथिराना विकेट टेकिंग बॉलर ही है। आपने जितना इनको देखा होगा या मैंने इनको जितना देखा है, हमेशा विकेट टेकिंग चॉइस ये रहे हैं। जूनियर मलिंगा इनको कहते हैं, जिस तरीके इनका एक्शन है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए, डेथ में बॉलिंग करते हैं तो वहां विकेट गिरने का स्कोप वैसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है। जिस एंगल से बॉल आती है आप हर बॉल को लिफ्ट भी नहीं कर सकते तो विकेट आप देकर जाएंगे, इसलिए मथीसा पथिराना यहाँ पे प्रेफर्ड चॉइस होगी। और होगा क्या कि तुषार देशपांडे और पांडे और पथिराना का जो कॉम्बो है ना, ये शायद आपको आपके ओपोनेंट के साथ मिलेगा भी। बॉलर्स की बात करूं हैदराबाद से, तो एक नटराजन, भुवनेश्वर, मयंक मार्कंडे, 3 चॉइस थी। तीनों में जो थोड़ा इंप्रेसिव लगे हैं, जिसने थोड़ा सा ज्यादा विकेट लिए, वो है मयंक मार्कंडे। भुवनेश्वर 1 विकेट से ज्यादा स्पेल अभी डाल नहीं पाए, और नटराजन को 1 मैच में 3 विकेट मिले उसके बाद नहीं मिला। मयंक मार्कंडे रिलेटिवली बेटर बॉलिंग कर रहा है, कंडीशंस थोड़ी स्पिन फ्रेंडली रहने की संभावना है तो चीज थोड़ी और बढ़ जाती है, इसलिए मयंक मार्कंडे मेरी थर्ड बॉलर चॉइस होंगे। इस तरीके से आपकी बनी है फैंटेसी टीम, ठीक है। बाकी हम और आप मिलते रहेंगे, प्यार देते रहिएगा, प्यार की बेहद आवश्यकता है, न जाने क्यों आप लोग रूठ रहे हैं इतने बढ़िया रिजल्ट देने के बाद भी। मैं मेहनत करता रहूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार फिर लौटेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।